साल 1995, लखनऊ के कैंट इलाके में एक अनौपचारिक पार्टी चल रही थी। हंसी ठहाकों का दौर था और इसी हल्के फुल्के माहौल में अखिलेश की पहली बार नजर पड़ी डिंपल पर। नमस्कार, सियासी किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव की पहली मुलाकात, उनकी प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में उस दौर के दिग्गज समाजवादी नेता अमर सिंह की भूमिका की। जी हाँ, वही अमर सिंह जिनके साथ अनबन के चलते एक दौर में टीपू ने अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये समाजवादी प्रेम कहानी। शुरुआत में हमने लखनऊ कैंट की पार्टी का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वही पहला मौका था जब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश पहली बार डिंपल रावत से मिले थे। अखिलेश ने हाल ही में मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी जबकि 17 साल की डिंपल रावत तब आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे, वहीं डिंपल के पिता एससी रावत उस वक्त सेना में बतौर कर्नल अपनी सेवाएं दे रहे थे और अखिलेश डिंपल की पहली मुलाकात के वक्त वो बरेली में पोस्टेड थे। अखिलेश और डिंपल के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। अखिलेश और डिंपल अक्सर लखनऊ कैंट के सूर्या क्लब या महमूद बाग क्लब में मिला करते थे। साल भर बाद यानी 1996 में अखिलेश ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए सिडनी जाने का फैसला किया, लेकिन वहां भी वो डिंपल को नहीं भूले। अखिलेश अक्सर डिंपल को खत लिखा करते थे और कई बार चिट्ठी के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे। जब वो पढ़ाई करके वापस लौटे तो डिंपल से शादी का फैसला किया। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन अखिलेश यादव की जीवनी विंड्स ऑफ चेंज में लिखती हैं, अखिलेश और डिंपल के बीच जमीन आसमान का अंतर था। दोनों दो अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते थे, एक यादव और दूसरी ठाकुर। एक और समस्या ये थी कि उस वक्त अलग उत्तराखंड राज्य की मांग चरम पर थी। साल 1994 में मुलायम के मुख्यमंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर अलग राज्य की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। पहाड़ से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार मानते थे और उनसे बेहद खफा थे। इस तनाव के बीच अखिलेश ने अपने परिवार को डिंपल के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का फैसला लिया। अखिलेश अपनी दादी मूर्ति देवी के बेहद करीब थे और सबसे पहले उन्हें ही अपने रिश्तों के बारे में बताया। हालांकि अखिलेश को भरोसा नहीं था कि उनकी दादी इतनी जल्दी मान जाएंगी। सुनीता एरॉन लिखती हैं कि जब अखिलेश ने अपनी दादी को रिलेशनशिप के बारे में बताया और कहा कि वे डिंपल से शादी करना चाहते हैं, तब उन्होंने यानी कि अखिलेश की दादी ने कहा, तुम किसी भी दूसरी जाति में शादी करो पर करो जल्दी। धीरे धीरे बात मुलायम सिंह यादव तक भी पहुंची। उस वक्त वे केंद्रीय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्हें अखिलेश के जिद्दी स्वभाव के बारे में बखूबी पता था और कहा करते थे, टीपू को कोई जल्दी नहीं मना सकता। हालांकि मुलायम के मन में तमाम तरह की शंकाएं थी। मुलायम डिंपल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे एक्टिविस्टों का डर था कि कहीं वे हंगामा ना खड़ा कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी कि वो अखिलेश को मनाएं और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराएं। चूंकि अखिलेश ने बचपन का काफी वक्त शिवपाल के साथ गुजारा था, ऐसे में मुलायम को भरोसा था कि शायद अखिलेश मान जाए। हालांकि अखिलेश ने डिंपल से शादी का पूरा मन बना लिया था। ये वो दौर था जब अमर सिंह और मुलायम सिंह की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अमर सिंह तब समाजवादी पार्टी के महासचिव थे और मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे। अखिलेश यादव उन्हें अंकल कहकर बुलाया करते थे। अखिलेश के मैसूर से लेकर सिडनी तक एजुकेशन और दूसरी तमाम चीजों का ख्याल अमर सिंह ही रखा करते थे। अखिलेश की जीवनी के मुताबिक अमर सिंह अखिलेश की शादी बिहार के एक ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले नेता की बेटी से करना चाहते थे।
तब मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि उस वक्त वो नेता अपनी बेटी के साथ लखनऊ भी पहुंच गए थे। हालांकि अखिलेश डिंपल से अपने रिश्ते को लेकर साफ थे। बाद में मुलायम ने अपने कई पहाड़ी दोस्तों से भी अखिलेश और डिंपल की शादी को लेकर सलाह मशविरा किया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, जो डिंपल के परिवार के काफी करीबी थे और दोनों का गांव अगल बगल था। तमाम बातचीत के बाद तय किया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए। मुलायम को मनाने में अमर सिंह ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी और इस तरह 24 नवंबर 1999 को सैफई स्थित यादव परिवार के पैतृक गांव में अखिलेश और डिंपल का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कहा जाता है इस शादी का सारा अरेंजमेंट, सियासत से लेकर सेमा तक के मेहमानों को बुलाने की पूरी लिस्ट और यहां तक कि मेन्यू भी अमर सिंह ने खुद ही डिसाइड किया था। और इस तरह अखिलेश डिंपल एक दूजे के हो गए और खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। ये छोटी सी समाजवादी लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।